विपक्षी दलों के ये जो बंदी थे ये पूरी तरह से सुपर फ्लॉप कार्यक्रम था। सिर्फ और सिर्फ बंदी के नाम पर गुंडागर्दी हुई है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। बंदी में ना तो देश का किसान दिखाई दिया ना देश का नौजवान दिखाई दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ शिवम। कृषि बिल के विरोध में पिछले 10 दिनों से जो किसान हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। उसी क्रम में आपको बता दे चले कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया था किसानों के तरफ से, जिसमें देश की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं और साथ ही साथ बिहार की भी जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने इस बंदी का समर्थन किया था। वहीं आपको बता दे चले कि आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर जितने भी विपक्ष के पार्टियों के नेता थे वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे थे कि इस कृषि बिल को वो वापस ले। इसी को लेकर जब हमने हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। विपक्षी दलों के ये जो बंदी थे ये पूरी तरह से सुपर फ्लॉप कार्यक्रम था। ये किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन देश का किसान, देश का नौजवान आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करता है। उनको मालूम है कि उनके हित के लिए नरेंद्र मोदी जी ही सोच सकते हैं। आज के बंदी के नाम पर जो गुंडागर्दी हुई है, मैं सीधे तौर पे विपक्षी दलों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस गुंडागर्दी के लिए आपको देश के आम आवाम से माफी मांगनी चाहिए। इस बंदी में ना तो देश का किसान दिखाई दिया ना देश का नौजवान दिखाई दिया। ये सिर्फ और सिर्फ बंदी के नाम पर गुंडागर्दी हुई है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो आपने सुना, साफ तौर पे उनका कहना है कि आज जो बंदी थी विपक्ष पार्टियों के द्वारा वो पूरे तरीके से फ्लॉप थी और बंदी के नाम पे जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करते नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि देश के नौजवान और किसान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पिछले 10 से 12 दिनों से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पर हो या देश के अन्य राज्यों में हो, इसका जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी समर्थन कर रही है। ऐसे में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों के डेलीगेशन हैं वो 5 राउंड बैठक हो चुकी है और जो 6ठी बैठक है वो कल होना है। तो ऐसे में जो कल बैठक होगी तो इसमें क्या कुछ निर्णय लेकर निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे। पर जो आज प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर जो सत्ता पक्ष की पार्टी है हम, वो विपक्ष पर ज़ोरदार हमला करती है और पूरे तरीके से इस प्रदर्शन को फ्लॉप बताती है और साथ ही साथ यह भी कहती है कि जितने भी विपक्ष पार्टी के नेता थे वो कहीं ना कहीं आज गुंडागर्दी करते नजर आए। अब देखने वाली बात होगी कि अब केंद्र सरकार किसानों के बीच जब बैठक होगी तो क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।